सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एलएल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो मैं लेके आया हूँ टू ब्रो भाई की वीडियो, इमरान खान ऑडियो लीक्ड रोस्ट, इमरान खान रोस्ट। तो मैं क्योंकि फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ टू ब्रो भाई का, तो बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं, तो इनका रोस्ट का भी हम स्वाद लेंगे कि कैसे करते हैं। मजा आ रहा है, इन्होंने क्या बोला है। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है इमरान खान की, ये तो ऑडियो लीक का तो हम पहले भी बना चुके हैं वीडियो, और वीडियो जो वीडियो का है वो उसका भी कांड का आपको बता चुके हैं, पता लग गया होगा। और भोसड़ा बीबी का भी नया आ गया, वो भी बाहर जफियां पप्पियां डाल रही थी किसी और के साथ, तो वो वीडियो आपके आपके मैं लाता रहता हूँ, धीरे धीरे आपको दिखाता रहता हूँ, तो आपको और भी ऐसी चीजें बताता रहता हूँ। तो तालिबान वाला भी कांड हो गया है, तो टू ब्रो भाई ने अब इमरान खान की ऑडियो लीक पे क्या बोला है उस पर हम वीडियो देखते हैं, मजे करते हैं, क्योंकि हंसना और हंसना खेलने से, हंसने से खून बढ़ता है, तो हमें अपना खून बढ़ाना है और अपने आप को ताकतवर बनाना है, इसलिए थोड़ा सा मजे मुझे भी लेने चाहिए दबा के, हमेशा सीरियस बातें नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में भी तबसरा करेंगे, और मेरे को होप है आप हिंदुस्तान भाइयों से कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और मजे करेंगे पूरा इसके साथ। तो जो नए होंगे वो सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाएंगे नेशन फर्स्ट के, और ऐसा हिंदुस्तानी भाई का साथ देंगे, क्योंकि आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैंने आपको कितनी वीडियो में बताया, ये 4-5 साल बाद देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि हमने नेशन फर्स्ट का भाई का साथ दिया था, सब्सक्राइब किया था चैनल, उसको चैनल को बढ़ाया था, तो हमें नॉलेज और पाकिस्तान के साथ लड़ने का प्रेरणा देता रहा भाई। तो वो आपका आपको पता चलेगा कि ये बातें, मजा आ गया भाई आपके साथ रह के। तो मेरे को भी बहुत मजा आता है जब हिंदुस्तानी भाई करते हैं सब्सक्राइब। तो बाकी मैं एंड में बात करूंगा, पहले पहले रोस्टिंग देखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, आप भी वेट कर रहे होंगे कि भाई आपके साथ रोस्टिंग देखनी है मिलके, तो वीडियो चलाओ। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। तो मैंने लिंक टू ब्रो भाई का डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इन्होंने जो दिया हुआ है टाइटल वो दिया हुआ है इमरान खान ऑडियो लीक रोस्ट, इमरान खान रोस्ट, पाकिस्तान फनी रोस्ट टू ब्रो ऑफिशियल। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, टू ब्रो भाई को सपोर्ट करो, अपने हिंदुस्तान भाइयों को हमेशा सपोर्ट किया करो भाई, हिंदुस्तान भाइयों। चलिए यहां पे वीडियो देखते हैं, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑडियो लीक, ऑडियो लीक, ऑडियो लीक, ऑडियो लीक, भाई कुछ तो कहो इमरान खान की ऑडियो लीक पर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई लोग, आप लोगों की डिमांड पर हम सब मिलके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अबे तू कहां से आ गया, पहले कटोरा खान को तो पेलने दे, तेरा नंबर बाद में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। अरे बिल्कुल होगा, रुको जरा, सब्र करो। तो भाई लोग, कटोरा खान की लीक ऑडियो तो आप पहले ही सुन चुके होंगे, जिसमें कटोरा खान एक महिला से अश्लील बातें करके चरम सुख की प्राप्ति कर रहा। जब तुम थक जाओगी ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। देख रहे कैसी गंदी गंदी बातें करता है आदमी। और भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये ऑडियो ना सिर्फ आपने सुना होगा, बल्कि ऑडियो सुनकर आप लोगों का कहना होगा, मैंने अपने कानों से देखा। क्योंकि इमरान खान की ऑडियो में उस लेवल का ठरक है कि लोग ऑडियो में वीडियो का आनंद ले रहे हैं, कुछ ऑडियो सुनकर शर्मा रहे हैं, तो कुछ ऑडियो सुनकर घबरा रहे हैं, और बचे इमरान खान समर्थक तो वो ऑडियो सुनकर अपना हिला रहे हैं, क्योंकि पोर्कियों को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियो में सुनाई दे रहा बंदा इनका मसीहा कटोरा खान है, उनका तो बस यही कहना है। अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना है भाई। वो क्या है ना, ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का क्या है। हाँ, समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं, और कटोरा खान भी तो अपने स्टाइल में ही खेल रहा है। जेमिमा रहम, बुसरा बीबी समेत 3 महिलाओं से ताबड़तोड़ शादियाँ, एमा सरगंज, गोल्डी होन, सारा क्रोली, लीजा सूसी जैसी 50 लड़कियों के साथ अबे संबंध। इसके अलावा फिजा अकबर, किरण नाज, आयला मलिक जैसी मशहूर एंकर इसकी रखेल भी हैं, या एक लाइन में कहें तो काफी फैला बिजनेस है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, इस बंदे की ठरक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बंदा एक बार लिफ्ट से गिरने के बाद टूट फूट कर हॉस्पिटल पहुंचा, तो जो नर्से वहां मौजूद थी वो नर्से भी इसे हूरे नजर आने लगी थी। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौक थाना में पहुंच गया, तो इससे डॉक्टर आसिम ने वो टीका ऐसा लगाया, वो जो नर्सेज थी वो मुझे हूरे नजर आनी शुरू हो गई। भाई इससे ज्यादा ठरकपन और क्या होगा, मतलब डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगाया और ये अपना इंजेक्शन नर्सों को लगाने का जुगाड़ देख रहा था। मतलब जहाँ बंदे का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, वहाँ भी बंदे का मेन पार्ट बराबर काम कर रहा था, नर्सें हूरे नजर आ रही थी। देखो देखो,
दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर एक का कमीना है, नीयत में खोट, साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। लेकिन कटोरा खान के इतना ठरकी होने के बावजूद भी पोरकियों को इससे ज्यादा शरीफ कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उल्टा इनका कटोरा खान की ऑडियो को लेकर कहना है। हूबहू आवाज बनाना इंतहाई आसान है। इमरान खान की फेक ऑडियोज बनाई जाती है, फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। भाई मुझे लगता है कटोरा खान के साथ इस एंकर की भी ऑडियो आने वाली है, तभी ये इतना फर्जी चिल्ला रही है ताकि लोग फर्जी समझकर उसे भी इग्नोर कर दें। वैसे भी आजकल पाकिस्तानी एंकर्स कटोरा खान की टांगों तले फंसी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और मुल्क की वकार बढ़ाने का सबब बने। हमारे साथ है इमरान खान। आपका आवाज किधर देखने लगता है मेरे को। हाँ भाई, सही पहचाना, यही है वो अबला नारी जो इमरान खान की लीक्ड ऑडियो में अपना तबला बजवा रही है। जल्दी से आओ वापस। मैं कैसे आऊँ, तुमने मेरा क्या हाल किया, मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो कटोरा खान का हर ऑडियो में बस यही कहना है, आप दो ना, आप दो ना। और उधर कटोरा खान की ऑडियो सुनने के बाद इसकी पार्टी के नेता हो गए, सब खा गए, कुछ नहीं बचा। लेकिन इतना कुछ रायता फैलाने के बावजूद भी कटोरा खान को जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि कटोरा खान का कहना है, ये जो टेप्स हैं और ये जो वीडियोस बनाई हुई हैं, 28 साल की उम्र से कम 66% पाकिस्तानी है, उनके लिए सोशल मीडिया पे एक गन चलाना ये हमारी दीन के खिलाफ है। कुरान की आयत है कि अपने दूसरों के गुनाह पे पर्दा डालो। अब भाई एक बात बताओ, जब इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं तो ये किस गुनाह पर पर्दा डालने की बोल रहा है। मतलब अब घुमा फिरा के खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, और भाई ये एक्सेप्ट नहीं भी करता तो ऑडियो की फोरेंसिक जांच भी हो चुकी है और ऑडियो की सच्चाई, इनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसका हमने साइट पे फोरेंसिक करवाया, वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। और जैसे ही कटोरा खान की बीवी को इस ऑडियो के बारे में पता चला कि ये रियल है, तो कटोरा खान से उसकी बीवी, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। मतलब फोरेंसिक टीम क्लियर कर चुकी है, कटोरा खान इनडायरेक्टली खुद मान चुका है, लेकिन कटोरा खान समर्थक अब भी मानने को तैयार नहीं कि ये ऑडियो रियल है। और भाई मुझे पक्का यकीन है ये पोरकी तब भी नहीं मानेंगे जब कटोरा खान की वीडियो लीक होगी, अब तो भाई ये तभी मानेंगे जब कटोरा खान एक एक करके पर्सनली सबकी लेगा। नहीं तू समझा नहीं, पता नहीं भाई कटोरा खान ने अपने समर्थकों को कौन सा नशा करा दिया है कि बंदे इमरान खान के समर्थन में अंधे हो गए हैं, कोई खुद इमरान खान से लुटने को तैयार है। I love you, Imran. Really love you and wanna marry with you. तो कोई अपनी अम्मी को ही लुटवाने को तैयार है। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है। तो आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, कुछ नहीं बोलेंगे, मैं अंधा हूं। अब भाई जैसा पोरकियों का लीडर होगा वैसे ही तो उसके समर्थक होंगे। वैसे भी कटोरा खान तो पहले ही बोल चुका है, अपनी कौम को, जागी हुई कौम को और जगा रहा हूं। और भाई ये तब तक जगाता रहेगा जब तक ये हर पाकिस्तानी महिला पर कब्जा नहीं कर लेगा, क्योंकि कटोरा खान ने पूरे मुल्क का माहौल इस कदर हफसी बनाया हुआ है कि इस बंदे का ऑडियो छोड़ो वीडियो भी लीक हो जाए तब भी ये पोरकी यही कह रहे होंगे, इस कौम को सिर्फ इमरान खान चाहिए। इस कौम को इमरान खान चाहिए या तुझे इमरान खान का चाहिए? तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। भाई लड़कियां तो कटोरा खान के प्रति इस कदर बावली हो गई है कि उसकी शादी अफेयर और रखेल के बारे में जानने के बावजूद भी उससे शादी के लिए मरी जा रही है। एक मशवरा दे दे इमरान खान को, मुझसे शादी कर ले। और उधर पाकिस्तानी लौंडे जो इस बात से परेशान हैं कि इमरान खान हर लड़की को पेल रहा है, वो इमरान खान से, मेरी आपसे गुजारिश है आप हमारे कपड़े अंडरवियर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या देखने और दिखाने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, आप लोगों ने देखा, मेरे को बहुत मजा आया। और टूवी ब्रो भाई की ना बड़ी डायरेक्ट डायरेक्ट भी बातें होती है, डायरेक्ट ही बोल देते हैं, तो बहुत अच्छा। मेरे को बहुत बेस्ट फनी पार्ट इनका ये लगता है, कई लोगों को ना होता है कि यार ये थोड़ी सी ज्यादा ही बोल्ड बातें कर देते हैं। देखो भाई पता क्या होता है, ये सब दिमाग का फतूर होता है आप लोगों का, ठीक है। जितना बंदा बोलता है ना कि ये बोल्ड बातें करते हैं, उतना बंदा अंदर से अंदर उसका हार्ट ज्यादा बोल्ड होता है वो बंदे का, ठीक है। वो जो ज्यादा अपना एक्टिंग करते हैं ना कि ये बीच में बोल्ड बातें कर देता है, तो भाई अपने आप से पूछो तुम कितनी बोल्ड बातें करते हो जब तुम अपने दोस्तों के साथ करते हो। चलो खैर वो तो अलग मैटर हो जाता है, मेरे को इस बातों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, ये बातें एजुकेशन के तौर पे ही लेनी चाहिए। जहाँ हम आम जिंदगी में ऐसी बातें ही करते हैं, वो झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं कि यार ये बड़ी गंदी बातें करता है, ये बड़ी उल्टी सीधी बातें करता है,
तो भाई लोगों अपने अंदर ध्यान के देखो, जब आप दोस्तों के पास बैठे होते हो तो आप भी ऐसी बातें करते होते हो, ठीक है। चलिए खैर उस पर बात पे नहीं जाएंगे। बाकी ये बात है कि बहुत अच्छा रोस्ट किया ट्यूब्रो भाई ने, अच्छे टका के लेते हैं ये तो, क्योंकि हर एक के अंदर एक गुण होता है, तो ट्यूब्रो भाई के अंदर ये एक गुण है कि वो उसको बातों को बड़े अच्छे वे से और बड़े कॉमेडी वे से और आम लैंग्वेज में, आम लाइफ में जो हम बातें करते हैं उसमें बताते हैं और फैक्ट बताते हैं, बिल्कुल रियल फैक्ट बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ के बता देते हैं कि नहीं ये बात उन्होंने किसी ने बोली नहीं और ट्यूब्रो भाई ने अपने मन से बना ली, तो ये भी काम होता है, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। न्यूज़ देना या कुछ देना वो एक छोटा मोटा काम है, वो तो अखबार से पढ़ के कोई भी देता रहता है, लेकिन उसको एक फ़नी वे में ट्रांसलेट करना या फ़नी वे में उसको चेंज करके आप लोगों तक पहुंचाना आम जिंदगी में, जो आप आम लैंग्वेज यूज़ करते हो उसमें, ठीक है। तो वो बातें आपको बताते हैं। तो बाकी रही बात है, बाकी सारी बातें सही है जो अभी, ये तो पुरानी हो गई है वीडियो ट्यूब्रो भाई को, ट्यूब्रो भाई को पता भी चल गया होगा कि भूसड़ा बीबी का भी ऑडियो लीक हो चुका है, तो उसने बिल्कुल वो जो दिखा रहे थे ना परेश रावल और जो दूसरी लेडी थी उसके साथ दिखा रहे थे, मैं भी करूंगी, तो वो भूसड़ा बीबी ने कर दिया है जो काम करना था, ठीक है। वो ये लग मजे कर रहा था, वो लग मजे कर रही है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के ना ब्लड में है ऐसे करनी है। अब तो इमरान खान का ये भी पता चल रहा है कि इसके किन्नर के साथ भी चक्कर होते थे। किन्नर, आपको अगर इसको नहीं पता होगा तो किन्नर जाके गूगल पे सर्च कर लेना किन्नर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उसके साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान में ना किन्नर का बहुत शौक है पाकिस्तानियों का, आप, मैं कई वीडियो देखता हूँ इनकी, तो उसमें ये किन्नर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तानी। तो बाकी ये है कि जो ये फिजा खान है, जो जिसको क्या कहते हैं फिजा खलीफा भी कहते हैं, कुछ कहते हैं लोग, बड़े कहते हैं, ये जितनी एंकर हैं ना सारी अंडर इमरान खान के हैं। मैं आपको आज सच बात बता रहा हूँ, आज ये भी आप मेरी नोट कर लेना बात, जितनी ये एंकर है ना जो इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जब इमरान खान के पीछे मरी जाती हैं, सब इमरान खान के रूम में घूम के आई हुई हैं, ठीक है। तो बी रूम में सारी घूमी हुई हैं, बी रूम का आप मतलब नहीं पता होगा तो बाद में बता देंगे फिर कभी। बी रूम में बी फॉर बॉल होता है, बी वो बी बोल रहा हूँ, वी फॉर विक्ट्री वाला बी नहीं, बी फॉर बॉल वाला। तो बी रूम में ये सारी उसके जाके आई हुई हैं, तभी ये इमरान खान चिल्लाती रहती हैं। तो बाकी उसकी जो है क्या कहते हैं इमरान खान की, अभी तो जो आप देख रहे हो तो उसकी वीडियो भी आ चुकी है, लेकिन वीडियो मिल नहीं रही। जिस दिन वीडियो मिल गई ना उस दिन मज़ा आ जाएगा भाई। मैंने आपको तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले बोला था, और मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं, मैंने जो पुराने हैं ना वो भी याद कर लें, मैंने ये बोला था कि इमरान खान की वीडियो बनी हुई है, वीडियो, और लिटरली मैं तो चाहता हूँ इसको ना एक्सपोन वगैरह पे जो साइट्स होती है ना वहाँ पे चढ़ा देनी चाहिए, अगर यूट्यूब पे नहीं चढ़ रही तो वहाँ पे चढ़ा देनी चाहिए। मैं पाकिस्तानियों को सलाह दे रहा हूँ जो इस पे काम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना मेरे को कि यूट्यूब पे चढ़ नहीं पा रही, तो यूट्यूब पे नहीं चढ़ेगी वो, आप, मैं आपको सलाह देता हूँ, आप बड़े तेज़ दिमाग वाले हो, तो जो पॉन साइट होती है ना वहाँ पे चढ़ जाएगी, उसका लिंक वगैरह फैला दो, अपने आप लोगों को मिल जाएंगी। तो भाई बहुत मज़ा आया मेरे को, इनकी बर्बादी ऐसी होगी जो मुग़ल बर्बाद हुए थे ना, वो ऐसे ही बर्बाद हुए थे। एक तो वो शराब में डूबे रहते, कबाब में डूबे रहते थे, दूसरा वो मुजरा देखते रहते थे, तो उनकी बर्बादी का कारण यही था, ठीक है। तो ये बातें ट्रू हैं, और ये उसी अयाशी पे चलते हैं, उसी अयाशी पे, तो इनका बेड़ा गर्क तय है। उधर से आपको लोगों को पता ही चल गया कि तालिबान ने अपना जो TTP है उन्होंने अपना शरिया लॉ करके अपने दो दो बना लिए हैं गवर्नमेंट वहां पे, अब दो गवर्नमेंट पाकिस्तान में चल रही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कब तक होता है, लोग बोल रहे हैं कि 5-6 साल लगेंगे, मेरे हिसाब से ये वो जो ये कांड है ना इनकी तबाही तेई में फुल फ्लैश शुरू हो चुकी है। मैंने आज से 3-4 महीने पहले बोला था कि इनका कांड काम शुरू हो चुका है, तो इनकी जो तबाही का गेम है ना बजना तबला शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी को तो खैर नहीं दिखना, हिंदुस्तानियों को, कईयों को दिखना शुरू हो गया है, कईयों को पिछले साल से, मेरे को तो 2018 से इनका 19 से ही पता चल गया था कि इनका तबला बजना शुरू हो गया। मैं तब से बोलता आ रहा हूँ कि इनका तबला बज रहा है और आपको बजता रहेगा, और जो जो महीने मैं आपको दे रहा था, मैंने आपको 1.5-2 महीने पहले मैंने बोला था कि नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको बड़े बड़े इवेंट्स होते दिखाएंगे, ये इवेंट्स हैं, मैं इनको इवेंट्स बोलता था। कभी ऑडियो लीक आ गई, इमरान खान की वीडियो आ जाएगी, अभी तालिबान का कांड हो गया, पीछे भाजपा का कांड हो गया 1.5 बिलियन वाला, ठीक है। तो ऐसे कांड आपको नजर आते रहेंगे, बस एक मेरी चीज थोड़ी सी होगी है कि इमरान्डू जो है ना वो, क्योंकि इनमें दम नहीं है,
वो अगर धरना दे देता ना, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद चले जाता, तो आपको सुपर डुपर हिट फिल्म देखने को मिलनी थी। बस वो ये क्योंकि है ऊपर से फड़े बड़के मारने वाले हैं, कर कांड कुछ नहीं कर सकते, तो उसमें मैं थोड़ा सा, मेरे को लगा कि इसने एक कर नहीं पाया, अगर एक कर जाता ना नवंबर दिसंबर में तो हो गया था इनका कांड, तो ये गया ही नहीं वहाँ पे। डरपोक इतना है, इसको गोलियाँ गोली लगी, उसके बाद ये मुकर ही गया। अब तो ये यही कहने लग गया कि कोई बात नहीं, अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में अगस्त सितंबर जब देखेंगे मैं होगा होगा, अब ये उससे पीछे हट गया, अब ये इन तिलों में तेल नहीं है। मैंने देखा है, मैंने सोचा था, मैं इमरान खान को ऐसा नहीं सोचता था, मैं इमरान को ये सोचता था कि इसके तिलों में तेल है, कि ये कुछ करके दिखाएगा बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा करने के बजाय इसका खुद का ही तेल निकल गया। डरपोक ये ना कौम, मैं बताता हूँ, जो पुरकी कौम है ना, बहुत ज़्यादा डरपोक कौम है। ये आपको ऐसे डराएंगे कि आपको ऐसे बड़ा बन के दिखाएंगे कि हम तो डरा के रख देंगे, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, जब आप थोड़ी सी आंखें निकालोगे ना, गाली बड़क मारोगे इनके सामने, तो ये बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह चूं चूं करके चुप करके बैठ जाते हैं। तो ये आपने देखा इमरान खान इतनी बड़के मारता, मैं ये कर दूं, मैं बुक कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, टाइम दे के इसने ना अपने आप को कूल डाउन करके लोगों को भी फुद्दू बना बनू के अपना चुप करके बैठ गया। अब ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक हो, तालिबान आ गया है, पुरकियों को खास करके ज़्यादा मुबारकबाद हो कि आपके यहाँ पे शरिया लॉ लगे जल्दी से जल्दी। हम तो चाहते हैं कि आपके शरिया लॉ लगे, तो आप भी आपको पता चले कि अफगानिस्तान जैसा हाल कैसे होता है आप लोगों का, तो जैसी करनी वैसी भरनी, अब इनके दिन ख़त्म हो चुके हैं जो ऐशप्रस्ती वाले हैं, अब लगेगा इनको मजा आएगा। तो भाई लोग यहाँ पे तक थी वीडियो, बहुत मजा आया, आई होप आपको भी बड़ा मजा आया होगा मेरी बातें सुनकर। और जिस अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के, इस हिंदुस्तानी भाई की सपोर्ट करो। 18 तारीख को हमारा जो नेशन फर्स्ट का एक साल पूरा हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने वैसे दिल में आस थी कि 10,000 एक साल में हो जाएंगे तो मजा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मेरे को गम नहीं है या कोई दुख नहीं है, मेरे को यही है कि मैंने जितना सोचा था उससे मेरे को 10 गुना ज़्यादा ही मिला है। यूट्यूब से आप लोगों का प्यार मिला है, जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मेरे भाई हैं मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, जो मेरे व्यू पॉइंट से चलते हैं कि ये हिंदुस्तानी भाई हैं, इस ये बातें सही कह रहा है। हाँ, अगर मेरे को गलत लगती, मैं गलत बोलता हूँ, अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो वो मेरे को कमेंट में बताता है कि भाई ये वाली आपसे मैं बात से डिसएग्री करता हूँ, तो मैं वो भी सिर माथे पे लेता हूँ, ठीक है। आपके जो आपका प्यार है वो भी सिर माथे पे, आपकी नफरत भी हिंदुस्तानी भाइयों के सिर माथे पे, लेकिन अगर पुर्किस्तानी आला जहाँ कुछ और कुत्ते की तरह भौंकता है तो फिर उसको मैं सिर माथे पे नहीं लेता, फिर मैं उसको कहीं और पे ले लेता हूँ। तो वो बात आप समझ गए होंगे, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन 18 तारीख तक मैंने ये सोचा था कि 10,000 हो जाएंगे, चलो खैर कोई बात नहीं, जितना प्यार मिला उतना ही बहुत है, क्योंकि हिंदुस्तानी भाई से, आप हिंदुस्तानी भाइयों से छोटा सा भी प्यार का एक पीस भी मिल जाता है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो, तो 18 तारीख को इस नेशन फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, बर्थडे है, ठीक है, इस 18 को वेंसडे आई थिंक वेंसडे है उस दिन। मैं पहले सोच रहा था कि लाइव आऊँ उस दिन, लेकिन फिर वेंसडे है उस दिन लाइव आके मैं सोचूंगा कि शायद रात को लाइव कर लें रात को। तो मैं प्लान बना रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मिलूं, अगर लाइव करना होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा कि भाई आज लाइव आएंगे शाम को, रात को ही कर पाएंगे क्योंकि दिन में तो सारे काम वगैरह पे गए होते हैं, मैं भी बिजी होता हूँ, आप लोग भी बिजी होते हैं अपने काम कार में, तो बाकी बाद में बात करेंगे। तो यहाँ आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, इस भाई का हौसला बढ़ाओ, हमेशा हिंदुस्तानी भाइयों को, जितने भी यूट्यूबर हैं और भी हैं उनको भी सपोर्ट करो, पुर्किस्तानियों के पिछवाड़े पे लात मारो, ये अपने काम के बंदे नहीं हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।